कोई चीज को लेकर के फैसला लिया जाता है तो सोच विचार करके ही लिया जाता है। हम तो लास्ट तक फ्रेंडली तक ही रहेंगे, लेकिन उनके जो भी प्रभारी थे या पार्टी के लोग थे उनका क्या बयान आया ये तो आप लोग जानते ही हैं। महागठबंधन सभी लेफ्ट पार्टियां और आरजेडी द्वारा रिपोर्ट कार्ड निकाला ही जाएगा और सच्चाई जो है वो रखी जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। क्या बिहार की तमाम विपक्षी पार्टियां जो चुनाव के वक्त एकजुट रहती हैं उनमें फूट पड़ गई है? क्या बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी अब कांग्रेस से अलग हो गई है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी के बीच बढ़ती हुई नाराजगी, चाहे वो एमएलसी चुनाव का मुद्दा हो या उससे पहले भी बिहार में कई उपचुनाव हुए हैं, उस दौरान कांग्रेस और आरजेडी में अब दूरियां दिख रही हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपने बयानों के माध्यम से साफ कर दिया है। आज तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि हमने तो सोचा था कि ये फ्रेंडली ही मैच है, लेकिन अब जैसा वो चाहें इसका मतलब आप समझ सकते हैं। आपको बता दें, संपूर्ण क्रांति दिवस 5 जून के दिन महागठबंधन के प्रतिनिधियों का एक महासम्मेलन होना है, पटना में ही एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। उसमें क्या कांग्रेस के नेता जो है वो शिरकत करेंगे या फिर बिहार में अब हम मान लें कि आरजेडी कांग्रेस अलग हो चुकी है? तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर महागठबंधन सभी लेफ्ट पार्टियां और आरजेडी द्वारा रिपोर्ट कार्ड निकाला ही जाएगा और सच्चाई जो है वो रखी जाएगी डेटा के साथ। अब कौन क्या कहता है, सत्ता दल में बैठे लोग उन लोगों का सदन में झूठ बोलते हुए पर्दाफाश तो हम लोगों ने किया ही, सब लोगों ने देखा। सदन में कोई जवाब नहीं रहता है कोई सवाल का, और जितने भी वादे उन्होंने किए थे आप बताइए, इतना काम किया तो 19 लाख जो बेरोजगारी का जो सवाल था कि रोजगार देंगे, 2 साल हो गया, कितना लाख को रोजगार देगा, खाली इसी का जवाब दे दे, बाकी चीज तो बहुत प्रॉमिस किया गया था, तो इसका सवाल कहीं जवाब दे दे। कांग्रेस का जो है कहीं ना कहीं गायब है आपके पोस्टर से। अब कांग्रेस ये कह रही है कि महागठबंधन लोगों नीचे करो ना, नहीं कांग्रेस के लोगों को ये तय जो है ये खुद उन्होंने ही किया है, हमने कुछ नहीं किया। हम तो लास्ट तक फ्रेंडली तक ही रहेंगे, लेकिन उनके जो भी प्रभारी थे या पार्टी के लोग थे उनका क्या बयान आया ये तो आप लोग जानते ही हैं, और हर जगह प्रत्याशी उन लोगों ने उतारा। खैर अच्छी बात है, उनको लगता है कि उनकी ताकत है तो ठीक है, अच्छी बात है, इसमें कहाँ कोई दो राय। एमएलसी का जो उम्मीदवार आपने उतारा है क्या वो तीनों रहेंगे, मतलब आप वापस ले लेंगे? नहीं नहीं, बात कहाँ से कहाँ आ गई। कोई चीज को लेकर के फैसला लिया जाता है तो सोच विचार करके ही लिया जाता है, तो इसमें कहीं किसी को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जातीय जनगणना के बाद अब बीजेपी कह रही है कि नहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, बीजेपी हम बनाएंगे। सरकार में है कौन? सरकार में तो ऐसे संवैधानिक विरोधी नीतियां, संवैधानिक विरोध काम लोग कर ही ना रहे हैं। कानून कोई हटा रहा है कोई ला रहा है, जो संविधान को नहीं मानता, जिनके पास सत्ता है भारत सरकार में भी वो है, बिहार सरकार में भी वो है, पूछ किससे रहे? पूछ रहे हैं तो बुलाइए सबको, सब अपनी अपनी राय देंगे। तो आप लोग समझा कीजिए थोड़ा सा, जब कोई नीतिगत फैसला हो रही है तो हम लोगों को बुलाया जाएगा, राय लिया जाएगा, तब ना बताएंगे, तो हम अपनी तैयारी करेंगे। हम केवल अपना आप पूछिएगा, हम निर्णय ले लेंगे उससे थोड़ी ना, सब किसी से ना बातचीत करके जो भला है, जिससे लोगों का बिहार का जिसमें हित है वही फैसला हम लोग लेंगे, लेकिन बुलाया जाएगा तब तो। मांग किसे कर रहे हैं,
19 लाख रोजगार तो पहले दे देना। जम्मू कश्मीर महीना हो गया, जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को चुन-चुन के मारा जा रहा है सर, जम्मू कश्मीर में आतंकी द्वारा मारा जा रहा है, क्या कहना है इसमें? इसमें तो हम लोग परसों सरकार का रिपोर्ट कार्ड ही निकल रहा है, आपको सब मिल जाएगा। तेजस्वी यादव की पूरी बातों को आपने सुना है, ये तो फ्रेंडली ही मैच समझ रहे थे। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है, विपक्ष नेता है, लेकिन अब कांग्रेस की जैसी मर्जी। क्या कांग्रेस ने अब आरजेडी से बिहार में अलग होने का निर्णय ले लिया है? ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल, आरजेडी से क्या कांग्रेस की अब दूरियां और बढ़ गई हैं या ये गठबंधन समाप्त हो चुका है? इस पर फिलहाल अभी संशय बरकरार है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।